सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल पे देख के आए हो, सीयूसीटी में अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर, तो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आप करना चाहते हैं एम टेक या एम सी ए या कोई भी अदर देन एम बी ए, आप जो कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीयूसीटी एग्जाम का सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सैम्पल क्वेश्चन क्या रहने वाले, तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो छुट्टियों से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें, उसके लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि सबसे पहले तो सीयूसीटी एग्जाम क्या है। सीयूसीटी क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक प्राइवेट एग्जाम है, जिसके थ्रू सिर्फ आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन होती है। एक और एग्जाम है जो है सीयूईटी, जिसका है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू हम दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बच्चे इन दो एग्जाम को कंफ्यूज कर लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन आपको ये बता दूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयूईटी एग्जाम के अंडर नहीं आती है, सीयूसीईटी एग्जाम के अंडर आती है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक प्राइवेट एडमिशन और स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो सीयूसीईटी के थ्रू आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज है, तो फीसिस काफी ज्यादा है, तो जो बच्चे फीसिस अफोर्ड नहीं करते उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप सीयूसीईटी की स्कॉलरशिप निकाल लें और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके पढ़े, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो सीयूसीटी दो फेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज वन और फेज टू। अगर हम बात करें फेज वन में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, जबकि आप फेज टू में रजिस्टर करने से आपका डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहेगा, क्वेश्चन पेपर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है, लेकिन जो आपको 10% स्कॉलरशिप है उसका लॉस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं, अगर आपके फेज वन में 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको फेज वन में मिलेगी 100% की स्कॉलरशिप और फेज टू में भी मिलेगी 100% की स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो फेज वन में आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप और फेज टू में मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। अगर हम फेज वन में 70 से 79 के बीच में मार्क्स लाते हैं, तो आपकी जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है 40% और फेज टू में मिलती है 30% की। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 10% का लॉस हो रहा है अगर आप फेज टू में रजिस्टर कर रहे हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम दें तो फेज वन में ही रजिस्टर करके रख ले, ताकि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले, आप ये जो 10% का लॉस फालतू में ले रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी ना ले। जैसे कि आप फेज वन में एग्जाम दे देते हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जैसे कि सपोज करिए आपसे 50 से 59 के बीच में मार्क्स आए, आपकी 25% स्कॉलरशिप आई, तो आपको 500 रुपीज देके फेज टू में दोबारा एग्जाम देने का भी मौका दिया जाता है। उसमें अगर आप सपोज करिए कि आपके 70 से 79 के बीच में मार्क्स आ गए और आपको 30% स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपकी जो बेस्ट स्कॉलरशिप है, मतलब ये 30% स्कॉलरशिप वाली है, वो कंसीडर करी जाएगी। लेकिन यहाँ सपोज करिए जैसे कि आपकी यहाँ पे आती है कि 80 से 90 के बीच में आ जाती है और आपकी 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन आप लेना चाहते हैं 100%, लेकिन आपने दूसरा अटैम्प्ट दिया और आपकी लगी फिर 30% स्कॉलरशिप, तो आपकी जो 50% वाली स्कॉलरशिप है ना, जो पहली बार में आई थी, वही कंसीडर की जाएगी। तो अब मैं कहूँगा कि फर्स्ट फेज वन में ही आप एग्जाम दें, ताकि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले, और फेज टू में तो आपको एग्जाम देने का मौका मिल ही रहा है, लेकिन फेज टू में आपको फेज वन वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो फेज वन में ही रजिस्टर करें जल्दी से जल्दी। फेज वन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 29 मई 2023, दिसंबर से चल के मई में ये वाली जो फेज वन है खत्म हो जाएगा, फिर फेज टू स्टार्ट हो जाएगा और आपको 10% स्कॉलरशिप का लॉस हो जाएगा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो सीयूसीटी का एग्जाम है देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूसीटी इज कंपल्सरी एग्जाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, के बिना आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलने वाली है, वो आपका पहला स्टेप रहेगा जो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि एम टेक एम सी ए इन सब कोर्सेज में, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे। एक तो रहेगा आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये चार सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने वाले। तो आप देख सकते हो जो आपका एग्जाम रहेगा 120 मिनट का रहेगा, मतलब 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग। 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 में से 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, 30 क्वेश्चन आएंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस वाले टैब में जाके आप ये चारों सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो यहाँ पे जो टेस्ट का लेवल रहने वाला है, सीयूसीटी टेस्ट का लेवल रहने वाला है, बहुत ईजी लेवल का टेस्ट रहने वाला है, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं और अप टू 50% स्कॉलरशिप बहुत इजीली ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपको, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस ऑफिस, ठीक है, नेटवर्क कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जावा फंडामेंटल्स, तो बहुत ही इजी लेवल के आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले। तो
उसके बाद अगर हम बात करें आपका ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ये वाला सिलेबस रहने वाला है। तो एग्जाम का जो सिलेबस रहने वाला है यार वो भी बहुत ईजी है। एग्जाम में आप अभी आपको सिलेबस देख के बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है ना आपको सैम्पल क्वेश्चन में दिखाऊंगा बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कम से कम 4 से 5 दिन भी पढ़े ऑनलाइन वेबसाइट से प्रैक्टिस करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के एप्टीट्यूड के इंग्लिश के, तो आप बहुत ईजिली इसमें मिनिमम 50% की जो स्कॉलरशिप है वो क्रैक कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम का मोड रहेगा वो होम मोड रहेगा, किसी भी सेंटर में जाके आपको एग्जाम नहीं देना, आपका एग्जाम है जो आपके घर पर ही होगा, तो अपने लैपटॉप से आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है घर पे तो आपको किसी भी आपके नियर बाय कैफे में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के लिए सीयूसीटी एग्जाम के लिए कैमरा और माइक्रोफोन दोनों कंपलसरी है, तभी आपका एग्जाम होगा। तो नियर बाय कैफे या अपना लैपटॉप किसी से बोरो करके रखे एग्जाम देने के लिए। तो ये रहा आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, तो मैंने आपको सारा सिलेबस दिखा दिया। सिमिलरली अगर आप सैम्पल क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे जनरल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं तो देख सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे कितना सिंपल लेवल का रिलेशनशिप क्वेश्चन है। जैसे अ पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर इज माई डैश, क्या है वो, हाउ इज रामू मदर, ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो काफी ईजी लेवल के क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें भी आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं इसको, कि अगर मंकी को ऐसे लिखा गया तो टाइगर को कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है इसमें ना लॉजिकल रीजनिंग के भी। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर के बात करें तो कंप्यूटर की बहुत बच्चों को डाउट आ गया था, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कौन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सोबल इज वाइडली यूज फॉर कौन, किस लिए यूज होता है, अनवांटेड रिसेप्टिव मैसेज कैसे डिलीट करें, उसके बाद इसमें से क्या सिस्टम इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करता है। तो काफी इजी लेवल के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अगर ऐसे करके आप सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के आपको देखने हैं, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के गिवन है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपका तो वैसे जो सब्जेक्ट था वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, इसमें आपको और भी इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज में तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर लेवल में नहीं है। अगर आप ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के देखना चाहते हैं तो ये क्यू के भी क्वेश्चन यहाँ पे सारे गिवन है। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लिए होंगे और आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी सीयूसीटी एग्जाम के बारे में। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।